This bike feels premium. This is good. Oh god. Maza aa gaya. Okay, it has power. It has power. It feels I am in no time in more than 100. And yes. हेलो गाइस, नमस्ते, वणक्कम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल आरकेडी ट्रैवलॉग्स। एंड टुडे इज एन एब्सोल्युट ब्यूटीफुल संडे और मैं जा रहा हूँ एक बाइक का टेस्ट राइड लेने के लिए एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए उस बाइक पे। कौन सा बाइक है हम जाके देखते हैं, प्रोबेबली आपको ऑलरेडी टाइटल से पता लग गया होगा, बट एनीवेज लेट्स हेड and check the bike, test the bike and tell my point of view ki kaisa hai bike, how does it feel to ride. Currently I am riding a Beast 390 Duke. Wow, this is an amazing bike, but let's go and test an equally powerful bike jo ki ek bahut amazing bike hai as far as abhi tak jitna maine suna hai, but let's go and test that and tell you my point of view ki wo kaisa feel hota hai. खाली रोड मिल गया तो यू गॉट अ रैप, बट डोंट डू इट, राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबली। दिस इज CVS मोटर्स ऑन बेल्लारी रोड। पुश, सो मेड लाइक अ गन। मैं आज आया हूँ एक नया बाइक का टेस्ट राइड लेने के लिए, विच इज इंटरसेप्टर 650 एंड राइड करते हैं इसको, थोड़ा बहुत टेस्ट करते हैं, हाउ डज इट फील, मेरे को क्या फ्लॉज लगे, क्या अच्छा लगा, थोड़ा सा बात करेंगे इस बारे में। होपफुली इट विल हेल्प यू मेक योर डिसीजन टू बाय इट और नॉट। एंड अगर पसंद आएगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से मैं और भी चीज़ें लेके आता रहूँगा, मोटिवेट करेगा जो कि मुझे, बाइक के रिव्यू लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए व्लॉग इन्जॉय कीजिए। Like this is a BS6 version, right? 317. Yeah. Okay. 17,000. Huh. And next, in that you get three colors. Next, the color which we have here is ravishing red for test, right? Okay. That will cost you 327. 327. Ravishing red and Gator Express, two color, 327. And other color is 343 and the last one is 336. So it varies between based on the color from 317 to 343. Just because of the color or any features also? Absolutely. Only colors. Yeah. And the one which I will be riding, that is Ravishing Red. Right. So, 327,000, 157. And which one, the expensive one? 343. This is Dust Chrome. Yeah, Dust Jitter Chrome. Dust Chrome. Chalo, let's start it. Oh, this feels heavy. Heavy feel hota hai. Aur sabse pehla cheez, first thing I noticed, इज द फुट पैक्स, दिख रहा है पैर वाइड रखना पड़ता है, अदरवाइज आपके सीनेरिया में बहुत चुभता है ये। एंड हैवी, अरे आई एम 5'6", आई एम स्ट्रगलिंग टू टेक इट आउट। ओ इट साउंड्स ब्यूटीफुल मैन, इट साउंड्स ब्यूटीफुल। वेट करो, यहाँ पार्क करते हैं, पहले देखते हैं चारों तरफ से। एंड फर्स्ट इम्प्रेशन इज ब्यूटीफुल, इट्स फील्स हैवी। देखो लाइट ऐसा है, हैलोजन लाइट, पूजा हुआ था शायद। एंड यहाँ छोटा सा DRL शायद दिया है, वो हमेशा ऑन रहता होगा। एंड हैलोजन लाइट, पता नहीं कितना ब्राइट होगा, मुझे नहीं पता, रात में राइड करेंगे तो पता लगेगा कभी। चारों तरफ से एक बार देखते हैं कैसा दिख रहा है, फिर उसके बाद डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। लुक एट द
ब्रांडिंग यहाँ पर, वाओ। एंड दिस इज फैक्ट्री फिट सर, दिस इज स्टॉक, दिस इज एक्सेसरी, ओके। बहुत बढ़िया दिख रहा है यार, लुक्स ब्यूटिफुल। लेट्स फायर इट एंड लिसन कि कैसा सुनाई देता है। न्यूट्रल, अच्छा न्यूट्रल इंडिकेटर यहाँ है, न्यूट्रल आरपीएम, ट्रिप मीटर 90 किलोमीटर दिखा रहा है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑडो भी 90.2 दिखा रहा है, ओके। गियर्स आर स्लिक, वेरी स्मूथ, आराम से ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब फर्स्ट से न्यूट्रल में आई एम नॉट स्ट्रगलिंग, ओके। फायर किया, इंजन स्टार्ट हुआ, साउंड्स ब्यूटीफुल, वाह। बहुत हार्ड मैं रेव नहीं करूँगा बिकॉज न्यू बाइक है, इट हैज़ गॉन ओनली 90 किलोमीटर्स, इसलिए मैं थोड़ा सा ही रेव करूँगा जिससे आपको एटलीस्ट पता लगे हाउ डज इट साउंड। वाह, पीछे एलईडी नहीं है, आर दीज एलईडी, शायद ये भी एलईडी नहीं है, बल्ब है, ओके। ये कवर होता है सारी गार्ड, सीट भी बढ़िया है, फ्लैट है, कुशन अच्छा है एक्चुअली, मतलब पिलियन के साथ यू कैन ट्रैवल रियली लॉन्ग डिस्टेंसेस। डिस्कस करेंगे डिटेल्स का बाद में, क्या क्या इसमें डिटेल्स है, लेट्स टेक अ क्विक स्पिन एंड देखते हैं कि हाउ डज इट फील टू राइड। थोड़ा सा हैवी फील होता है बिकॉज इसका वेट ज़्यादा है, दिस इज़ 202 किलोज। मिरर का पोजीशन भी एक्चुअली अच्छा है, नॉट लाइक हिमालयन का थोड़ा ऐसा रहता है, तो इट इज़ डाउन, और ये थोड़ा सा वाइड है, हैंडल बार भी वाइड है, मुझे ज़्यादा झुकना नहीं पड़ रहा है। सो KTM 390 पे मैं बैठता हूँ तो ऐसे बैठता हूँ, तो मेरा हाथ यहाँ रहता है, यहाँ पर क्या पूरा स्ट्रेच करना पड़ता है, बट स्टिल यू कैन सिट अपराइट। आई एम 5'6", आई एम एबल टू लैंड माई बोथ द फुट ऑन द ग्राउंड, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको देता है। एंड लेट्स गो, पैरेलल ट्विन का जो स्मूथनेस है फील होता है भाई, दिस बाइक फील्स प्रीमियम, और क्या स्मूथ है, एंड इट हैज इनफ पावर टू एक्सेलरेट, ओके दिस इज गुड, ओह गॉड, मजा आ गया, दिस फील्स वेरी गुड मैन, और कितना स्टेबल है बिकॉज ऑफ द वेट, इट फील्स सो स्टेबल। मिरर यूजेबल है, परफेक्ट है, बट वही है कि थोड़ा सा हाथ आपको रीच करना पड़ेगा, व्हेन यू सिटिंग अपराइट माई हैंड्स आर लाइक रियली स्ट्रेट टू ग्रैब द हैंडल बार, अदरवाइज थोड़ा सा अगर झुक के बैठेंगे लाइक स्पोर्टी पोजिशन में, थोड़ा सा नॉट लाइक वेरी अग्रेसिव, यू कैन ईजिली रीच, एंड फुट पैक्स आर लाइक नॉट फॉरवर्ड सेट और बैक, थोड़ा सा एकदम आपके थाइस के नीचे आता है। दिस फील्स गुड, साउंड्स वेरी गुड, इट फील्स लाइक अ प्रीमियम बाइक। ब्रेक्स आर गुड, अभी तो वैसे भी स्लो स्पीड पे था, आई वॉज ऑन 40, सो ब्रेक्स डिड बाइट इट वेल, लेट्स गो ऑन हाई बेटर स्पीड एंड फील इट, ओके, इट हैज पावर, इट फील्स, आई एम इन नो टाइम इन मोर देन 100, लेट्स टेस्ट द वे ब्रेक्स, ओके, बाइट्स वेल, ब्रेक्स भी अच्छे हैं, फ्रॉम 120 इट केम डाउन टू 40 लाइक दिस, सच अ ब्यूटीफुल रोड फॉर अ टेस्ट राइड व्हीकल मैन, ओके, इट हैज पावर ऑलवेज, फॉर वेन एवर यू वांट देयर इज अ पावर स्टोर्ड फॉर यू, वाओ, लेट मी सी हाउ डज इट फील ऑन स्पीड ब्रेकर्स बिकॉज दीज आर फ्लैट रोड, अभी बहुत फ्लैट रोड चल रहा है, देखते हैं कि कैसे फील होता है अगर इफ आई टेक इट ऑन एनी स्पीड ब्रेकर और पॉट होल्स। इतना स्मूथ गियर शिफ्टिंग है कि व्हाट डू आई टेल यू, बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और मतलब आई डिड नॉट फील दैट इन 390 ड्यूक और 310 आरआर अपाचे बिकॉज आई हैव बीन टेस्टिंग दैट बाइक फॉर अ व्हाइल नाउ एंड आई ओन 310 आरआर सो आई नो व्हाट पावर इट प्रोड्यूसेस बट दिस हैज 40
6.8 bhp, so obviously it has enough power. You can all day cruise at 120, but top speed is I think around 165 or 175. I have okay, speed breaker aa raha hai, let's see. Baith ke jaunga. Suspension are good, not like Himalayan but अच्छे हैं. आरा 310 में आई फील ऑल दैट, 390 में नहीं फील होता है, बट दिस इज गुड. डू आई गेट कॉन्फिडेंस इन कॉर्नरिंग? यस, क्योंकि मेरे को अभी तक तो जो इसका ग्रिप है वो ठीक लग रहा है. ओ शिट, आई हैव नॉट स्विच्ड ऑफ द इंडिकेटर्स. हाँ, अभी तक तो मेरे को जो इसका ग्रिप है, रोड ग्रिप अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी दे रहा है. स्पीड ब्रेकर, हाँ ओके, that was easy. Let me go on the suspension are good man. देखो ये छोटे छोटे ऐसे patches है ना, उतना feel नहीं हो रहा है. Oh, brakes are good. Actually अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है चलाने में. I feel good riding this. But only thing अभी तक जो मैंने figure out किया है, sitting position जो है upright है. बट वेन यू सिट अपराइट थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा. इफ़ यूर हैंड्स आर लॉन्ग प्रॉब्ली आपको थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा, बट फॉर मी मेरे को स्ट्रेच करना पड़ रहा है, या तो फिर थोड़ा सा झुक के, मतलब थोड़ा सा स्पोर्टी पोजिशन में बैठना पड़ रहा है. आरा 310 में आई सिट कम्प्लीटली एग्रेसिव, एंड ड्यूक में आई सिट समवेयर लाइक दिस, हैंडल बार यहाँ तक आता है, बट इसमें इफ़ आई सिट अपराइट मुझे रीच करना पड़ रहा है हैंडल बार के लिए. हैंडल बार वाइड है तो फिर मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इसको मनोवर करने में. कैन वी राइड इट स्लो? यस. एंड यहाँ पे क्यों मिस्ट या फॉग पता नहीं क्या जम रहा है, प्रॉब्ली पानी वानी चला गया होगा अंदर. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ट्रिप मीटर मुझे बस पता लगा यहाँ पर है, ट्रिप ए ट्रिप बी एंड ऑडो मिलता है, आरपीएम इंडिकेटर एंड ऑडो मीटर, और यहाँ पर पासिंग लाइट, अप एंड डाउन इंडिकेटर्स, हॉन्क, इंजन स्टार्ट, किल स्विच, बस इतना ही है. क्लच एंड ब्रेक, क्लच थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है. हॉन्क, इट साउंड्स लाइक दिस. सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, सो एक्चुअली यू कैन रियली मंच माइल्स इसमें, यू कैन ट्रैवल रियली लॉन्ग डिस्टेंसेज. मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम देने वाला है. And yes, you can ज़्यादा काट के नहीं चला सकते हो, but you can still manage really well. आगे थोड़ा सा and see how does it feel to take an U-turn. मेरे को कितना effort लगाना पड़ेगा एक U-turn लेने के लिए. Let me check. यहाँ से जाते हैं. Oh, can you jump? Oh, ये आराम से निकल गया. So ये भी test ride का एक part है, पड़ता है. एंड इट्स नॉट अ टॉल बाइक, इट्स जस्ट 802 mm सीट हाइट, जो कि ऑन एन एवरेज मोस्टली बाइक्स में रहता है इंडिया में. यहाँ से यू टर्न लेते हैं, कितना एफर्ट लगाना पड़ता है हमें यहाँ से यू टर्न लेने के लिए, क्योंकि बहुत स्लो यू टर्न है और स्टीप है यहाँ पर. सो लेट मी फिगर आउट. ओके, लेट मी जस्ट गो वेरी स्लो. यस, आराम से, नॉट मच ऑफ एफर्ट. नाइस, आई एम लविंग इट. मस्त लग रहा है बाइक, एंड रेड एंड ब्लैक बहुत बढ़िया दिख रहा है. एंड इफ दिस इज अ 650 सीसी बाइक, बट 650 जैसे पावर, जैसे कावासाकी 650 है वैसा पावर नहीं है, बिकॉज दैट हैज 75 और 76 पीएस का पावर है. दिस हैज़ ओनली 46.8. दैट इज़ नॉट ओनली दो, वो बहुत होता है टू क्रूज और टू गो फॉर ए ट्रिप. कहीं पर भी आपको जाना है लॉन्ग डिस्टेंस में, इतना पावर है कि इसको 130-140 शायद ऑल डे लॉन्ग चला सकते हो. दैट्स वॉट आई फील, बट फ्यू आर अदर रिव्यूज जहाँ पर वो बोलते हैं 120 इज़ अ स्वीट स्पीड. बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस क्या होता है ना कि मैं जब भी जाता हूँ, आई हैव इनफ पावर कि मैं 130-140 चला सकता हूँ ऑन माई आर आर 310, बट आई एंड अप
एवरेजिंग अराउंड 70-80, कभी कभी 110 जाते हैं. एंड हॉर्न्स आर ऑल्सो रियली लाउड. एंड गियर पोजिशन इंडिकेटर आई कॉन्ट सी कहीं पर दिख रहा है, लेट मी फिगर आउट, बिकॉज मेरे को चाहिए होता है गियर पोजिशन इंडिकेटर. आई डोंट सी अ गियर पोजिशन इंडिकेटर. इसके ऑडो और इसमें जो कंसोल है इसका, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, सो आई फील दैट थोड़ा सा आउटडेटेड है. थोड़ा डिटेल्स और होना चाहिए था फॉर टूरिंग के लिए, एटलीस्ट फ्यूल इकोनॉमी कितना दिखा रहा है और हाउ मच फॉर टैंक रेंज, मतलब फ्यूल टू एम्प्टी बताता है, तो वो होता तो और ज़्यादा रहता अच्छा. बट आई डोंट सी दैट हियर, जो कि मेरे को एक थोड़ा डाउन साइड लग रहा है इस बाइक का. अदरवाइज पिरेलीज आर डूइंग गुड. पहले कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था, अब धीरे धीरे काफ़ी कॉन्फिडेंस मेरे को मिल रहा है कि हाँ मेरे को ट्रस्ट कर सकता हूँ इसके टायर पे. इजी पीजी. कि इसका कंसोल जो है थोड़ा सा आउटडेटेड है, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकता था. आई डोंट सी एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन जहाँ पर मुझे बताए कि गियर पोजिशन इंडिकेटर क्या है इसमें और टैंक रेंज कितना है, या मेरा फ्यूल टू एम्प्टी जो रेंज है वो बताए. वैसा कुछ नहीं दिख रहा है. आई फाइंड द मिरर्स यूजेबल. सीट अच्छा है, यू कैन रियली राइड विद अ पिलियन फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस. लुक्स ब्यूटीफुल. इसके स्पेक्स के बारे में बात करते हैं. सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ तो इसके स्पेक्स की है, इसका इंजन जो कि 648 सीसी का है. एंड 650 ऑब्वियसली इसका नाम है, तो ऑब्वियसली ये 648 सीसी का बाइक है जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 46.75 पावर एंड 52 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क. एंड सेकेंड थिंग, इंजन के बाद अगर बात करें तो इसके व्हील्स की, काफ़ी गर्म फील हो रहा है. इट्स हैज हीटेड अप ऑलरेडी, तो शायद इसलिए ग्रिप दे रहा है. इट्स 100mm का टायर है, 18 इंचेस साइज एंड पिरेली से आता है ये. दिस इज़ अ ट्यूबलेस टायर फ्रंट वाला, एंड पीछे वाला 130 सेगमेंट टायर है. दिस इज अगेन पिरेली फैंटम, 18 इंचेस ओनली. सो ये हो गई टायर की बात. चीज़ बात करें तो है उसके टैंक की, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लुकिंग टैंक है जिसका कैपेसिटी है 13.7 लीटर्स का. ऑन एन एवरेज 22-24 माइलेज देता है, सो अप्रॉक्स 300 किलोमीटर्स का टैंक रेंज मिलेगा आपको. लाइट्स हैलोजन है, लेट मी जस्ट स्विच इट ऑन. ये देखो, एंड इंडिकेटर्स ऐसे दिखते हैं, बल्ब है, LEDs नहीं है. हॉन्क, यस, साउंड्स लाइक. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेकिंग सेगमेंट. ब्रेकिंग जो दिया है यहाँ पर, ब्रेक्स आर फ्रॉम बाइब्रे विच इज बाई ब्रेम्बो एंड डुअल चैनल ABS है. फ्रंट डिस्क पैड्स आर 320mm एंड रेयर डिस्क पैड्स आर 240mm. अगेन डुअल चैनल ABS है, तो ऑब्वियसली दोनों साइड आपको मिलता है ABS. ओके गाइस, सो अभी जैसा मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है, तो दिस इट्स नॉट स्विचेबल. डुअल चैनल ABS जो है स्विचेबल नहीं है, ओनली हिमालयन हैज दैट स्विचेबल ऑप्शन. सो दैट्स अबाउट इट. क्योंकि स्विचेबल नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट स्विच इट ऑफ. अगर इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जा रहे हो तो अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा ऑफ रोड नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये जो है आपका मोशन देख रहे हो, ये 110mm का ट्रैवल है फ्रंट सस्पेंशन जो है, एंड पीछे वाला 88mm का ट्रैवल है. ये जो देख रहे हो, देखते हैं, सी, कैन यू सी दैट 88mm का ट्रैवल है. तो साइड स्टैंड से इसका पिकअप करने के थोड़ा सा एफर्ट लगता है, बट आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता मैनेज करने में, क्योंकि हाइट इसका थोड़ा छोटा है सीट हाइट. सो सीट हाइट है 804mm का, एंड आई एम 5'6", आई एम एबल टू मैनेज इट प्रॉपरली. 398 और 310 में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है, अदरवाइज दिस इज़ अ गुड बाइक. मतलब प्लस पॉइंट है ऑब्वियसली शॉर्ट राइडर्स के लिए भी. आपको ऑलरेडी प्राइस के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, इट्स अबाउट 317,000 इन बैंगलोर. इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द कलर प्राइस, कलर चेंज होता रहता है, प्राइस भी चेंज होता रहता है, विच गोज़ अप टू 343,000. इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस बाइक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, थम्स अप. सिटी में थम्स अप. कहीं ले जाना चाहते, पिलियन के साथ ले जाना चाहते, बिकॉज 390 पे और मेरे 310 पे तो डेफिनेटली नहीं पिलियन. 390 पे यू कैन टेक पिलियंस ऑल्सो,
बट इसमें डेफिनेटली आप लेके जा सकते हैं पिलिन कहीं पर भी, एंड इट इज़ एन प्रीमियम बाइक। लेट मी सी पिलियन कंफर्ट कैसा है। थोड़ा सा पैर ऐसे ऊपर आता है, देखो इतना। अगर पिलियन कंफर्ट देखेंगे तो फुट पैक पे पैर है तो थोड़ा सा मेरा लेग का पोजीशन ऐसा हो जाता है। यू कैन एज अ पिलियन ऑल्सो राइड लाइक रियली लॉन्ग डिस्टेंसेस। वेरी गुड बाइक फॉर अ पिलियन। पिलियन कंफर्ट भी अच्छा है अगर आपने एक्सेसरी लगाया ये विच जो पिलियन बैक रेस्ट है विच विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस पीछे ही बैठने के लिए। एंड इट्स वेरी कुशन्ड तो पीठ पे फील नहीं होता है देयर इज समथिंग। एंड इसका जो पावर डिलीवरी है थोड़ा सा लीनियर है विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब किसी को अगर पसंद है रॉ वाला पावर तो ऑब्वियसली विल नॉट गो फॉर दिस वन। यू विल गो फॉर समथिंग एग्रेसिव, समथिंग मोर लाइक स्पोर्टी बाइक। दिस इज मेंट फॉर टूरिंग। रॉयल एनफील्ड ने अपना ध्यान रख के बनाया है। ओवरऑल आई रियली लाइक दैट। राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सिटिंग कम्फर्ट थम्स अप। सीट हाइट थम्स अप फॉर मी लाइक शॉर्ट राइडर्स। सो गाइज मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने अभी शेयर किया। हाउ डज इट फील टू राइड दिस अ ब्यूटीफुल मशीन। सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन डेफिनेटली कम टू अर कम फॉर अ टेस्ट राइड एंड टेक अ टेस्ट राइड एंड प्लान इफ यू रियली वॉन्ट टू गो फॉर दिस बाइक। बट दिस इज़ लाइक ब्यूटीफुल फॉर अ 650 इंजन। इट्स नॉट लाइक उतना पावर नहीं है जैसे कि 650 वर्सेज है और एनी अदर 650 सेगमेंट, बट दिस इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल। इट हैज़ लीनियर पावर एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिस जो प्लान कर रहा है ये बाइक के बारे में शेयर इट टू देम, प्रॉबेबली इट विल हेल्प देम टू डिसाइड ऑन देयर प्लान अगर ये लेना है या कोई और लेना है। बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी आपका दूसरा हो। तो गाइज एंजॉय, मेरा ब्लॉग अभी यहीं ख़त्म होता है। टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड तब तक के लिए खुश रहिए। दिस इज योर बॉय आरकेडी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।